Hello everyone, this video will discuss about how to design decoders using another decoder circuit. तो सबसे पहले बात करेंगे how to design 3x8 decoder using 2x4 decoder. अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि कितना इनपुट और कितना आउटपुट हो सकता है. तो सबसे पहले बात करेंगे हमें डिजाइन करना है 3x8 decoder. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर 3x8 डिकोडर. ओके सो फॉर 3x8 डिकोडर्स सबसे पहले देखेंगे इनपुट्स कितना लगता है और आउटपुट्स कितना लगता है. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म इज नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स. ओके सो एज यूजुअल वी नीड 3 इनपुट लाइन्स. सो विल बी राइटिंग हियर आई नीड 3 इनपुट लाइन्स. लेट द इनपुट लाइन्स आर ए बी एंड सी. ये तो क्या इनपुट का. लेट्स गो फॉर आउटपुट लाइन्स. नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स इज इक्वल टू. अब देखिए 3x8 डिकोडर में 8 आउटपुट लाइन्स है. सो विल राइट देम एज 8 स्टार्टिंग विथ y0 टू y7. सो दिस इज अबाउट डिजाइनिंग 3x8 डिकोडर. लेकिन देखिए सबसे पहली बात क्या है, हमारे पास अवेलेबल है 2x4 डिकोडर. दैट मीन्स हमें यूज करना है 2x4 डिकोडर का. अब 2x4 डिकोडर का अगर हम बात करेंगे तो वी नीड 2 इनपुट लाइन्स एंड 4 आउटपुट लाइन्स. रफली अगर मैं स्केच यहाँ पर लिखता हूँ हाउ मेनी डिकोडर्स आर रिक्वायर्ड. तो देखिए 4 आउटपुट लाइन्स है लेकिन हमें चाहिए 8 आउटपुट लाइन्स. यानी वी हैव टू यूज 2x2x4 डिकोडर्स. ओके सो आई कैन सिंपली राइट नंबर ऑफ 2x4 डिकोडर्स रिक्वायर्ड विल बी 2. ओके अब हम सबसे पहले इस डिकोडर को अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ parallel terms. Till then I have drawn a simple structure of 2x4 decoder. This is 2x4 decoder number 1 and this is second decoder. अब हम इसको inputs assign करेंगे. देखिए total 3 inputs लगने वाले लेकिन अगर मैं 2x4 decoder की बात करता हूँ तो I need 2 input lines. Whereas अगर हम output का बात करते हैं तो we need 8 output lines. लेकिन 2x4 decoder के लिए 4 आउटपुट लाइन्स है. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंपल सी थिंग. तो हम उसको असाइन करेंगे. दिस इज y0, ये y1, y2 एंड दिस इज y3. यानी 2x4 डिकोडर के 4 आउटपुट लाइन्स हमने ड्रॉ किए. सिमिलरली दिस इज आवर सेकंड 2x4 डिकोडर. लेट्स ड्रॉ द लाइन y4, 5, y6 और y7. अब देखिए आउटपुट का कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है. वी गॉट 8 आउटपुट लाइन्स. अब रिमेनिंग है खाली इनपुट्स का. कन्फ्यूजन कैसे, देखिए 3x8 डिकोडर के लिए 3 इनपुट्स चाहिए लेकिन हमारे पास है 2x4 डिकोडर और उसके लिए चाहिए 2 इनपुट लाइन्स. यानी कि इन तीनों इनपुट लाइन में से हमें यूज करना है ओनली 2 इनपुट लाइन्स. तो यही होगा द सिंप्लीफिकेशन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टीचर. तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले I will draw a 3 variable truth table. देखिए मैं यहाँ पर draw करता हूँ with the combinations A, B, C. With this is 1, ये है 2, this is 3. Fine. Then I will be counting across 4, 5, 6 and 7. ये हो गया 3 variable का truth table. अगर हम properly इसको देखते हैं, देखिए सर 1, 2, 3 और 4 इन चार कॉम्बिनेशंस के लिए ए का वैल्यू कितना है, 0. रिमेंबर फॉर द फर्स्ट 4 कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ ए इज 0. वेयर एज फॉर द नेक्स्ट 4 कॉम्बिनेशन इफ यू ऑब्जर्व ए का वैल्यू है 1. ओके रिमेनिंग टर्म्स. अब देखिए सेकंड इनपुट के अक्रॉस 2 इनपुट से बी सी, बी सी का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, 0 0 0 1 1 0 1 1. ओके नाउ सेम 0 0 0 1 1 0 1. यानी 3 इनपुट्स में से 2 इनपुट का वैल्यू चेंज रिपीटेडली हो रहा है 0 0 0 1 1 0 1 1. वेयर एज जो एम एस बी बीट है, देखिए मैं इसको नाम लिखता हूँ एम एस बी, ये है एल एस बी. तो एम एस बी का वैल्यू फर्स्ट 4 कॉम्बिनेशन के लिए 0 है, नेक्स्ट 4 कॉम्बिनेशन के लिए 1. ओके सिमिलरली अगर मैं 0 0 0 प्रेस करता हूँ तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट y0 लिख सकते हैं. दिस कुड बी y1, ये आ जाएगा y2, ये है y3.
सिमिलरली 100 का आ जाएगा 4, 5, 6 और ये है 7। ओके, सो इस बिहाफ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो दो इनपुट्स बी सी का वैल्यू फर्स्ट डिकोडर और सेकंड डिकोडर के लिए सेम है। ओके, सो लेट्स ड्रॉ देम। शो इट इज, दिस विल बी आर बी एंड दिस विल टेक सी एंड सेम लाइन विल कनेक्ट बी अगेन फॉर दिस डिकोडर एंड सी फॉर दिस पर्टिकुलर डिकोडर। दिस इज बी एंड सी, मैं इसको यहीं पर शो करता हूँ बी और सी के लिए। ओके, अब रिमेनिंग टास्क इज ए। ए का वैल्यू देखिए, फर्स्ट फोर कॉम्बिनेशन के लिए 0 है, बाद में है 1, यानी कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एक तो ये डिकोडर ऑन हो जाएगा या फिर ये डिकोडर ऑन हो जाएगा, और जो डिकोडर ऑन होता है उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज हमें आउटपुट मिलेगा Y0 से लेकर Y3 या फिर Y4 से लेकर Y7 तक। तो इसको किस तरह से हम असाइन करेंगे, सो यहाँ से मैं लेता हूँ इनपुट ए, दिस इज इट एंड आई विल बी कनेक्टिंग विद अ नॉट गेट। ये हो गया इनपुट यहाँ पर, और यही नॉर्मल इनपुट मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ एंड दिस विल वर्क एज एनेबल पिन। इट विल वर्क एज विथ एनेबल पिन, यानी कि ए डिसाइड करेगा इन दोनों डिकोडर में से कौन सा डिकोडर ऑन हो जाएगा और कौन सा डिकोडर ऑफ हो जाएगा। अब देखिए वर्किंग कैसा होता है। लेट्स सपोज, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वैल्यू, ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए का वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू गया 0, तो ये डिकोडर ऑफ हो जाएगा। अब ये डिकोडर ऑफ है तो इसका जो कुछ इनपुट कॉम्बिनेशन है वो तो सेलेक्ट नहीं होगा, सो वी विल नॉट गेट एनी इनपुट और आउटपुट टर्म फ्रॉम Y4 to Y7। अब देखिए ए 0 है यानी इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1, यानी कि ये डिकोडर ऑन हो जाएगा। अब ये डिकोडर ऑन हो गया तो हमारे पास बचे दो इनपुट्स बी और सी। देखिए कौन सा इनपुट्स है, बी और सी। अब पी सी दो इनपुट्स है तो इसके कॉम्बिनेशन आएंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, ना वेन एवर इट इज 0 0 तो लाइन नंबर Y0 ऑन हो जाएगा, अगर 0 1 है तो आ जाएगा Y1, 1 0 है तो आ जाएगा Y2 और 1 1 है तो आ जाएगा Y3। दैट मीन्स इन फर्स्ट फोर कॉम्बिनेशन आप देख सकते ए 0 है तो आउटपुट्स क्या आ रहा है Y0 Y1 Y2 Y3। ओके, रिवर्स इफ ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए अगर मैं ए 1 लेता हूँ तो ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 0, ना इफ इट इज 0 तो ये ऑफ हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट डिकोडर ऑफ कंडीशन में इट विल नॉट एक्सेप्ट द इनपुट। सेकंड ए 1 है तो यहाँ पर इनपुट आ जाएगा 1, एनेबल इज इक्वल टू 1। अब एनेबल 1 है तो सेकंड डिकोडर हो जाएगा ऑन, अगर ये ऑन है तो इनपुट एक्सेप्ट करेगा बी सी से। अब देखिए कहाँ पर कह सकता है, बी सी का वैल्यू अगेन क्या हो सकता है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये क्या करेगा, वेन एवर इट इज 0 0 इसका फर्स्ट आउटपुट लाइन क्या है Y4 ऑन हो जाएगा, 0 1 है तो Y5, 1 0 है तो Y6, 1 1 है तो Y7। दैट मीन्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आइदर ऑफ दिस डिकोडर्स आर ऑन एंड अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग द वैल्यूज फ्रॉम Y0 to Y7। सो दिस विल बी आर स्कीमेटिक फॉर डिजाइनिंग 3-byte डिकोडर यूजिंग 2-by-4 डिकोडर। I hope you understood this point. What we have to do, whenever you will get such kind of example, first check how many input lines are required, how many output lines are required. Second term, whatever the marks, demarks या फिर decoder available है, कितना quantity मिलेगा उसको हम determine करेंगे और एक simple सा truth table से verify करेंगे कि MSB bit क्या चाहिए और remaining bits क्या हो जाए। इस प्रकार से हम इस question को solve कर सकते हैं। Now let us take another example with the same flow.